आज मैं आप लोगों की वीडियोस का रिव्यू करने वाला हूं, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि अपनी वीडियो का लिंक डाल देना और हम आपकी वीडियो की गलतियां बताएंगे। तो करीब 200 के आसपास लोगों ने अपनी वीडियोस के लिंक डाले हैं, तो सबका रिव्यू तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों की वीडियोस देखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 30-30 सेकंड की हर किसी की वीडियो देखी जाए और सबका इंट्रो को अच्छा बनाया जाए। तो देखो, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक शर्त रखी थी कि एक ही कमेंट करने एक बंदे ने, तो जिन्होंने भी एक से ज्यादा किया हुआ उनकी वीडियो हम नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये शॉर्ट सिनेमैटिक स्टोरीज का ये जो चैनल है इनकी वीडियो देखते हैं। क्लैश 1.0, इनके 36 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर ये इंट्रो है तो बहुत बेकार काम है। 11 सेकंड हो गए आपकी वीडियो शुरू नहीं हुई और 11 सेकंड के अंदर आपका सिर्फ इंट्रो ही है जो लोगो है। यार, ये 2014-15 में ये चीजें चलती थी, अब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो इसको सीधा सीधा डिलीट मार दो। अब देखो, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपकी वीडियो में देखो बिल्कुल ब्लैंक है। अगर खाली आपको रखना था और आवाज आ रही है गेट खोलने की, कुंडी खोलने की, लेकिन आपका जो सीन आता है आपका बंदूक रखने का। इन दोनों सीन का कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। अगर आपको कुंडी खोलते हुए की सिर्फ आवाज लोगों को महसूस करवानी थी, तो आपका एंट्री का शॉट आना चाहिए था, चाहे वो बिल्कुल डार्क होता जिसमें हल्की सी लाइट आ रही है गेट खुलने की, और उसी से आपका सीन जो है कंटिन्यूस सिनेमेटिक शॉट में बनता आता। मैं समझ रहा हूँ कि आपने वीडियो को पूरा साइलेंट रख के वीडियो बनाने की कोशिश की है साउंड इफेक्ट्स के ऊपर, लेकिन साउंड इफेक्ट्स जो है आपके थोड़े से अच्छा एडिट इनको करना पड़ेगा। लो पास का फिल्टर आप प्रीमियर प्रो के अंदर इन साउंड इफेक्ट्स के ऊपर लगाओगे तो ज्यादा रियलिस्टिक साउंड वो आपको सुनने को मिलेगा। ओके, अगले चैनल पे हम चलते हैं जिनका नाम है यप रिक्षु। इनका नाम है 4260 सब्सक्राइबर है। इंट्रो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से सुनने की कोशिश करूंगा, शायद से मुझे समझ आए। तो देखो, ऑल गुड मुझे लगा कि मतलब स्टार्टिंग का इंट्रो पहली बार में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार में आपने बताया कि डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू करने की कुछ जो भी चीज़ें, दूसरी बार देखने में मुझे समझ आ गया। एडिटिंग वाइज मुझे अच्छा लगा, वॉइस ओवर थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर आप कर सकते हो, बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी आपको करनी पड़ेगी, स्पेशली जब आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा अनाउंस कर रहे हो। नई ऑडियंस को नहीं पता, अब मुझे नहीं पता कि आपने डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू किया, तो एटलीस्ट वो जो वर्ड्स है आपके क्लियर होने चाहिए, या फिर आप मेंशन कर सकते थे पिछली वीडियो से डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू करने की खुशी में हमारे पास ही है। जो भी आपके तरीके है कि नई ऑडियंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी वीडियो को बनाते हुए। बाकी सब बहुत बढ़िया है, गेमिंग फास्ट पेस एडिटिंग है और काफी कुछ आपका जो वॉइस ओवर है, स्क्रिप्टिंग है, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, साहिल इंदौरा गुमराह 1.83 इनके सब्सक्राइबर्स हैं 1000। चालीस मिनट की आपने वीडियो बना रखी है, मुझे नहीं पता ये स्मार्ट मूव है या नहीं। फ्रेंकली मैं बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि हर्ष बेनीवाल 2 घंटे की वीडियो बना के 1 करोड़ व्यूज ले सकता है, लेकिन हर कोई 40-50 मिनट की वीडियो बना के 2-4 हजार व्यूज लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट फिल्म में लोग बहुत जल्दी बोर होकर बंद कर देते हैं यार, जब तक आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी लोग नहीं देखेंगे। तो 40 मिनट की वीडियो इस टाइम पे बनाना जब आपके 1.8000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो यार उस टाइम पे स्मार्ट मूव ये नहीं लगता। आप इसको 4 पार्ट में भी रिलीज कर सकते थे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और उससे आपके व्यूज भी 4 गुना रहते और आपकी जो सीक्वेंस है, आपकी रिटेंशन है, वो भी अच्छी बनी रहती। अगली वीडियो है अनूप रावत। देखो ठीक है, डायलॉग जोक जो था आपका, जोक अच्छा है, मतलब मैंने सुना हुआ है, लेकिन फनी है, आपने अच्छे से डिलीवर भी किया उसको, लेकिन यहाँ पे एक चीज की कमी है कि साउंड इफेक्ट आपका बहुत तेज है, और यहाँ पे जो आपका डायलॉग की आवाज थी वो साउंड इफेक्ट के मुकाबले थोड़ी सी कम। स्टार्टिंग में बिल्कुल तेज आपने साउंड इफेक्ट रखा, अगर तेज ही रखना है तो आपकी जो आवाज है वो भी तेज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम तेज आवाज है फिर डायलॉग की बिल्कुल कम होगी फिर साउंड इफेक्ट ऊपर, बल्कि साउंड इफेक्ट नीचे होने चाहिए और आपकी आवाज ऊपर होनी चाहिए। ओके, अगला है मंगलेश, 534 सब्सक्राइबर्स हैं इनके।
सिर्फ गेमिंग वीडियो है उसको हम नहीं देख सकते, कॉपीराइट भी आ सकता है और उस पर गाना भी था तो वो भी हम नहीं चला सकते। सीन मैं ये सारा काट दूंगा वीडियो के अंदर से, लेकिन ये जो चीज है आपकी एडिटिंग थी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो उसको, बाकी ऐसा कुछ इसमें क्या ही बताऊं मैं गाने के ऊपर आपने एडिट किया हुआ है। अगला है मिस्टर अजय कुमार व्लॉग, जिनके 14,600 सब्सक्राइबर्स है और 8 महीने पहले का वो व्लॉग मेंशन कर रहे हैं। देखो आपने अभी ट्रैकिंग करने की यहाँ पे कोशिश करी है कि ये रेस्टोरेंट वो ऐसे निकलता हुआ रहा है, जो पहले वाला स्टेप था कि पेड़ के पीछे से छुप के आ रहा वो अच्छा आपने कर लिया, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाला था ये काफी ज्यादा इमेच्योर सा लग रहा था। तो अच्छी बात है, सीखना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको आप अपनी फाइनल वीडियो में नहीं इंप्लीमेंट करो जब तक आप उसको अच्छे से नहीं सीख जाते। ये अगला चैनल है टेक्निकल SJ ब्रोस, इन्होंने चैनल के नाम में लिखा हुआ 7,89,000 व्यूज 1 डे अगो, यार इतना स्कैम करने की जरूरत नहीं है। अगला है AS बॉयज XYZ, इनके 106 सब्सक्राइबर है और 8 दिन पहले वीडियो डाली है, 487 व्यूज, बहुत अच्छा है। वीडियो में बहुत ज़्यादा शेक है, आपको भी नज़र आ रही होगी अपनी ये गलती, तो इतना शेक मत करो। अगर वीडियो में मतलब अगर मोबाइल आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसको ट्राईपॉड पे लगा के वीडियो बना लो, ताकि थोड़ा सा स्टेबल शॉट आपका देखने को मिल सके। और यहाँ पे देखो एक और सीन, जो शॉट है कंटिन्यूटी बननी चाहिए, एक जगह आप दीवार से उतर के जाने लगे हो, दूसरे शॉट में आप दिखा रहे हो दीवार से कूद के दूसरी साइड आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको दिखा नहीं है तो आप पीछे की तरफ पहले शॉट में दिखा सकते थे कूदने लगे हैं। ये वाला जो इफेक्ट आपने लगाने की कोशिश करी है, अगर आपने खुद से बनाया हुआ है तो देखो अच्छी कोशिश है, काफ़ी अच्छा किया है। मेरे को पता है कि थोड़ा सा मुश्किल ये लगता है ग्रीन स्क्रीन को नीचे बिछा के उसके ऊपर खड़े होकर ये करने का काम, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने किया है, थोड़ा काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं, जैसे जुमानजी आपने यहाँ बनाने की ट्राई करी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की गलती है कि जब आप किसी को सीन टू सीन बना रहे हो तो उसमें अपना तड़का जरूर आपको डालना चाहिए। अगला है राहुल बाबा, इतने सारे लोगों के बीच में उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी देखो उम्मीद कामयाब हुई आपकी, आपकी वीडियो भी आप देख लेते हैं। इनके चैनल का नाम है कॉमिक राहुल, 61 सब्सक्राइबर हैं, 28 व्यूज हैं, यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड फीचरिंग बिग बॉस। ये पीछे सिल्वर प्ले बटन कैसे है भाई, ये जरूर बताना मुझको। अब जिसे नहीं मालूम मुझे बता दो कि बिग बॉस में 2 बिहारी था, अब देखो कौन है। देखो यहाँ पे आपकी जो स्क्रिप्टिंग है मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप शूट कर रहे हो जब आपका कट लगता है, जैसे जहाँ पे आप डायलॉग बोल रहे हो रुक रहे हो अगला डायलॉग बोल रहे हो, कट आपने ठीक लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपका कट लगे वीडियो में हल्का सा जूम इन कर लो या थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ताकि लगे कि फ्रेम चेंज हो रहा है और वो कट आपका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगला है इलेक्ट्रो ट्यूब, देखना जरूर। ओके अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के जीवन में आके क्या दुख दर्द है, इतना सही सा डिटेल वीडियो। देखो शूट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि बाइक माइक अब सामने अगर कैमरा लगा रहे तो बिल्कुल ही मुंह के ऊपर माइक ना रहे यार, बिल्कुल ही मतलब अजीब सा हो जाता है। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ भी रखोगे तो भी आवाज ये उतनी ही अच्छी रिकॉर्ड करेगा, तो ऐसा ना हो कि माइक बिल्कुल मुंह में घुसा रखो, थोड़ा सा नीचे कर ले। एक वीडियो तो घूम फिर करके चली थी बट पता नहीं भाई उस पे भी। अब देखो इसी वजह से माइक पास में नहीं रखना चाहिए, अब जैसे आपने एडिट में जूम इन जूम आउट तो कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी सांस की आवाज है पट 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 ये आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है, और अगर मैं हेडफोन या एयरफोन्स लगा के सुनूंगा तो ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी लगता है, तो माइक को थोड़ा सा नीचे रखना ताकि आपकी आवाज ज्यादा क्लियर हो सके। अगला है नियो मैट्रिक्स का, जिनकी सस्पेंस शॉर्ट फिल्म है दानव। तो ये ठीक लग रही है, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बोरिंग भी नहीं था कि अगर मान लो कि मैंने आपकी एक दो वीडियो पहले देखी हुई है तो मैं स्किप नहीं करूंगा। इंट्रो जो था वो कि ठीक है, उसको थोड़ा सा सिनेमैटिक और आप बना सकते हो, थोड़ा सा एंगल चेंज करके या फिर थोड़ा और ड्रामेटिक सा दिखा के, या फिर जैसे आपने 3 बार वो सपना दिखाया तो पहली बार का जो था उसको थोड़ा सा और अच्छे से 5-6 सेकंड और ऐड करके उसको सिनेमैटिक बनाओ कि वो हॉरर जो है वो चलता हुआ आ रहा है, या फिर जिससे वो मारने लगा है या खून है या जो भी है,
दूसरी बार में थोड़ा सा और जल्दी, तीसरी बार में थोड़ा और जल्दी, ताकि वो बार बार रोज रोज वो सपना आ रहा है समझ आ सके। तीनों बार वो सेम चीज़ आई है कि फटाफट मार के ख़त्म कर रहा है 2 सेकंड के अंदर ही, तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि ये सपना है या क्या है। थोड़ा सा पसीना ज़्यादा दिखा सकते हो, थोड़ा गीले ज़्यादा हो गए पसीने में, या फिर कैमरा एंगल आप चेंज कर सकते हो ताकि वो लगे कि हाँ अलग अलग बार आए। और जो आवाज़ की बात है, आवाज़ देखो काफ़ी लोगों की थोड़ी सी ख़राब है वीडियोज़ के अंदर, तो इसमें देखो एक सोल्यूशन मैंने दिखा रखा है कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो अडोबी पॉडकास्ट की वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑडियो को, फाइनल ऑडियो को अपलोड करो और वो आपके ऑडियो में से सारा बैकग्राउंड वगैरह हटा देगा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वो जाके देख लेना अगर आपको नहीं पता तो। लेकिन आज के लिए हम यहाँ पे, वीडियो काफी बड़ी हो रही है तो हम इसको यहीं तक रोकते हैं। जिनके चैनल्स के हो गए आई होप उनको कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन जिनके नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली तो वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे ऐसा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप जल्दी से लाइक कर देना, 600 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। अगर 600 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो पे तो हम जल्दी से पार्ट 5वां भी लेके आएंगे।